आज भारत समग्र विकास के एक नए युग के द्वार पर खड़ा है, मगर साथ ही उसे अपने नागरिकों तक पहुंच बनाकर उनके हाथों में जानकारियां भी देनी हैं, ताकि उनमें स्वामित्व की भावना पनपे, उनके जीवन का स्तर बेहतर हो, उन्हें रोजगार के मौके मिले, कारोबार और सशक्त हों और सुसंगत अनुप्रयोगों और संबंधित पर्यावरण के जरिए सामूहिक समाधान और ज्ञान के लिए एक मंच मिले। पिछले दो दशक में सूचना तकनीक, कंप्यूटरों, मोबाइल फोन और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के जरिए भारत अपने नागरिकों की इन जरूरतों को ई गवर्नेंस के माध्यम से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मतलब है सूचना और संचार तकनीक के प्रयोग से सरकार की कायापलट, ताकि वो अपने नागरिकों को और उनके व्यवसायों को कार्य कुशल, सुविधाजनक और पारदर्शी सेवाएं मुहैया करा सके। जोर इस बात पर है कि सेवाएं किसी भी समय, किसी भी जगह सेवाओं के विभिन्न माध्यमों से प्रदान की जा सकें। देश में केंद्रीय, राज्य, स्थानीय स्तर पर ई गवर्नेंस पहल से सीखी गई बातों को नेशनल ई गवर्नेंस प्लान यानी NEGP में शामिल किया गया। इस योजना को मई 2006 में स्वीकृति मिली थी। सभी सरकारी सेवाओं को एक आम आदमी के लिए उसके आसपास सामान्य सेवा प्रदायगी बिंदुओं के माध्यम से उपलब्ध कराना और आम आदमी की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए वहनीय मूल्यों पर उक्त सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना। NEGP में 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट यानी MMP हैं, जिनमें 11 केंद्रीय MMP, 13 राज्य स्तर के MMP और 7 एकीकृत MMP हैं। केंद्रीय MMP में वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन और पेंशनधारियों के कल्याण से जुड़ा विभाग शामिल हैं। ये कंपनी पंजीकरण और संबंधित गतिविधियों, पेंशन, पासपोर्ट और वीजा, इमिग्रेशन, आयकर, एक्साइज, बैंकिंग आदि से जुड़े क्षेत्रों को भी कवर करती है। संबंधित हितधारकों को सेवाएं वेब आधारित इंटरफेसों और संबंधित एक्सेस मोड के जरिए दी जा रही हैं। आइए नजर डालते हैं कि इनमें से कुछ परियोजनाएं किस तरह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बना रही हैं। MCA 21 इज अ पाथ ब्रेकिंग प्रोजेक्ट। इट हैज चेंज द वे द सिटीजन डील्स विद द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट डील्स विद द सिटीजन। टुडे इट हैज चेंज द वे People can file documents from their remote locations. They can view documents. And the beauty of this project is that we have saved millions and millions of pages. We are looking at the next version of MCA 21. We have prepared a number of applications in customs, central excise and service tax. The custom applications consist of the EDI application, the web portal called IceGate, and a risk management system that the importer and the exporter should be able to conduct its business with the custom department with as little interface as possible. Our automation effort has been to provide online facilities with regard to registration, filing of refunds, filing of making payments, and the reconciliation of returns vis-a-vis payments are also being done in the system. The counter service is available only to the extent of 20% of the time, and 80% where the customers are not getting banking services, for that we have the ATM banking. Earlier, bank customer need to visit to the branch to withdraw the cash. Now at present, 32% or even a little more, over 32% of the transactions are taking place through alternate channel, which comprises of ATM, internet banking, mobile banking. केंद्रीय MMP, राष्ट्रीय ID और राष्ट्रीय पंजीकरण रजिस्टर यानी NPR के तहत एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी UID आधार संख्या के रूप में जारी की जा रही है, ताकि देश में रहने वाले हर नागरिक को एक विशिष्ट पहचान दी जा सके। इससे सार्वजनिक सेवाओं की कार्यकुशल डिलीवरी बहुत अच्छे ढंग से सुनिश्चित की जा सकेगी।
साथ ही इसके जरिए सरकार द्वारा लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी भी की जा सकेगी। इसी तरह राज्य MMP जिले उप जिले तालुका स्तर पर आम लोगों के लिए सरकारी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ग्रामीण आबादी के लिए भूमि कृषि और रोजी से जुड़ी सेवाएं विशेष महत्व की हैं। नागरिक इस बात के प्रति काफी झुकाव प्रकट कर रहे हैं कि ये कंप्यूटरीकृत सेवाएं उन्हें पारदर्शी और कार्यकुशल तरीके से प्रदान की जाएं। আমি শ্রী সঞ্জয় বদক বাড়ি গঙ্গাধরপুর। আমি 2002 সালে একটা জমি কিনেছিলাম, যেটা আমি ডেলিভারি পেয়েছিলাম দীর্ঘ এক বছর পর। আজ আমি রেজিস্ট্রি করতে এসে রেজিস্ট্রি অফিসে দেখলাম যে বর্তমান কম্পিউটার পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আমি দলিলটা এক ঘন্টার মধ্যেই ডেলিভারি পেলাম। এতে আমি খুব খুশি, এতে আমি খুব আনন্দিত। এই পদ্ধতিকে ধন্যবাদ জানাই। My name is Rupam De. I have came here for vehicle registration and it was done very easily. It's just taking 2 or 3 hours to complete the whole process. It is very, very easy process now and anyone can come here and do their own job by himself. It is what I will say. Now, before some time it was when it was manual work, then it will take long time and now it is very easy. All these things are in computer. You just deposit the your money and gave you registration within 2 or 3 hours. Common Services Center, E-Court, E-Trade, India Portal, E-Biz, E-Procurement और National Services Delivery Gateway की स्थापना एकीकृत MMP के तौर पर की जा रही है। मानव शरीर में मौजूद हृदय की तरह Common Services Center, जो कि एक एकीकृत MMP है, वो आम नागरिकों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाने वाली सेवाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बात ध्यान में रखते हुए कि भारत गांवों में बसता है, 6 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी वाले 1 लाख से ज्यादा CSC स्थापित किए गए हैं। ये देश के तमाम हिस्सों में कायम किए गए हैं। इनके जरिए ग्रामीण इलाकों में उद्यमशीलता बढ़ेगी, उनकी क्षमता और रोजी संबंधी अवसरों का निर्माण होगा और समुदाय की प्रतिभागिता में भी वृद्धि होगी। फिलहाल ये दुनिया में अपनी तरह की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। CSC को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मोड में लागू किया जा रहा है। ये एकदम बुनियादी स्तर के उद्यमी की रोजी का भी एक स्रोत है जो इन CSC को संचालित कर रहा है। And this is a list of services that is being offered through e-district activity. This is a revenue department, the 23 certificates are being given. ये CSC नागरिकों को कई तरह की सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। इनमें यूटिलिटी बिल्स का भुगतान, जाति और जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड को जारी करना, मनरेगा MIS एंट्रीज, इम्तिहानों के परिणाम उपलब्ध कराना, आर्थिक स्तर पर लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना और इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान आदि शामिल है। ये सचमुच विषय वस्तु, सेवाओं, सूचना और ज्ञान की डिलीवरी के लिए एकदम बुनियादी मॉडल को भी दर्शाते हैं। आज 1500 से भी अधिक सेवाओं तक लोगों की पहुंच हो रही है और नई सेवाएं लगातार शामिल की जा रही हैं। सरकार की NEGP पहल का मकसद सूचना का लोकतंत्रीकरण करना है और इसके लिए पारदर्शिता, जवाबदेही, सहयोग और कार्यकुशलता को आधार बनाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी और लोग एक साथ आ रहे हैं ताकि नई सोच, सहयोग और नए आविष्कारों को उद्घाटित किया जा सके। भारत सूचना तकनीक में एक महाशक्ति के तौर पर उभरा है। अब समय है कि सूचना तकनीक से जुड़ी इस क्रांति का लाभ उठाया जाए और इसके जरिए विषय वस्तु, सेवाओं, सूचना और ज्ञान का लाभ देश के नागरिकों को दिया जाए। हम अपनी सामूहिक परिकल्पना और हितों के लिए पूरी ताकत और समर्पण के साथ सफलतापूर्वक इस यात्रा पर निकल पड़े हैं।